स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। रेडिंग की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन नहीं मिलने के मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि सरकार सिर्फ कागजों पर ही काम ना करे बल्कि बिना राशन कार्ड वालों को लोगों को भी राशन मिले यह सुनिश्चित करे। तो बड़ी राहत, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और ऐसी शिकायतें आ रही थी कि उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने की हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विनीत, काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है ऐसी शिकायतें आ रही थी कि उन्हें राशन किस तरह से मिलेगा, एक सवाल भी उठ रहा था और इस मसले पर सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में? बिल्कुल शारिफ, आप देखें कि झारखंड में और पूरे देश भर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस बीच कई लोगों के राशन की और खाने पीने की चीजों की दिक्कत का की भी घटनाएं सामने आ रही हैं और इन सारी चीजों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी पंकज कुमार सिंह के द्वारा, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दिया जाना चाहिए क्योंकि गंभीर है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर राशन की जरूरत है करे और यह सुनिश्चित करे कि उस जाए। हालांकि यह मौखिक ही टिप्पणी थी लेकिन एक गंभीर मामला है और इस मामले में कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है अब, और कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी व्यक्ति अनाज के लिए इस परिस्थिति में मोहताज ना देखा जाए कि उस व्यक्ति के पास।